तो फ्रेंड्स, अगर आपने जीमेल आईडी में ये सेटिंग नहीं किया हो जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका जीमेल आईडी खतरे में है। आपका जीमेल आईडी कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी लॉगिन कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ दोस्तों ऐसा हो चुका है। और क्या हुआ, मैं अभी पिछला जो मैंने वीडियो डाला हुआ था जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करें, उस ईमेल आईडी को किसी और ने अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया था, पता नहीं कैसे। मैंने पासवर्ड भी उसमें हाइड कर दिया हुआ था, बस जीमेल आईडी शो कराया हुआ था, पता नहीं कैसे हो गया। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे साथ ऐसा हुआ और आपको क्या सेटिंग कर लेना चाहिए जिससे आपका जीमेल आईडी लॉगिन कोई और ना कर पाए, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि मेरे पे कुछ नोटिफिकेशन टाइप में आ रहा था कि अभी लॉगिन करना है आपको। तो मैं बोला यार पहले से लॉगिन है तो फिर करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने क्या किया, बार बार पासवर्ड डाल रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो पासवर्ड मेरा फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है। अब मेरे पे कुछ ओटीपी भी नहीं आया कि हाँ फॉरवर्ड करने के लिए आता है, कि उस पर वेरिफिकेशन कोड भी आता है, नहीं आया ऐसा। उसने मेरा पासवर्ड भी चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद से वो कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी इधर से पासवर्ड फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद से जब मैनेज अकाउंट में गया, वहाँ पे देखा मैंने कि मेरा मतलब कहाँ लॉगिन है, तो देखा मैंने वहाँ पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, यहाँ पे वहाँ पे लॉगिन था, ठीक है, लैपटॉप में। वहाँ पे लॉगिन होने के बाद से वहाँ पे देखा मैं कब मैंने वीडियो डाला, कितने टाइम बाद लॉगिन हुआ। मैं 6 बजे वीडियो अपलोड किया, 6:30 या 40 पे ऐसे मतलब वो लॉगिन कर लिया था। फिर मेरे पास एक कॉल भी आया उसका, लेकिन कॉल में ऐसा कुछ नहीं था कि कोड वोड वेरिफिकेशन कोड ऐसा कुछ नहीं था। उसने बस पूछा कहाँ से हो, अब मुझे गेस भी नहीं हुआ कि हाँ वो हो सकता है। फिर मैंने देखा रात में, तो उसको पूरा पासवर्ड मैंने चेंज किया उसका, फिर से क्या किया, फिर दोबारा पासवर्ड चेंज किया, उसको वहाँ से लॉग आउट किया लैपटॉप में से, और क्या किया मैंने, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया। फिर जाके करने के बाद से फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हाँ अब क्या करूँ, तो मैंने सीधे क्या किया, उस ईमेल आईडी को डिलीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो उसे मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, और मतलब उसको मैंने सोचा चलो इसको डिलीट कर दे। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आप जब भी ईमेल आईडी क्रिएट करना, तो जब आप पासवर्ड डालते हो तो आपको फिर दोबारा फॉरवर्ड कर देना अपना पासवर्ड, ठीक है। उसको करने के बाद से आपको क्या करना है, दूसरा नंबर 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको करना। अब तीसरा नंबर दोस्तों, आपको उसमें आपको मोबाइल रिकवरी नंबर भी डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा अगर कोई लॉगिन करता है तो उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, ठीक है। तो 2 स्टेप और ये सब चीज़ें मतलब तीनों आपको सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा कोई भी, अगर ईमेल आईडी जानता है तो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।